सोनू निगम के जीवन को खतरा, सुरक्षा ऊपर उठाया। एनएपी 2017 गायक विभिन्न संगठनों से आग के नीचे आ गया था जब उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मुसलमानों की प्रार्थना कॉल आजान उनकी नींद में परेशान थी। महाराष्ट्र राज्य इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एसआईटी ने बॉलीवुड गायक अभिनेता सोनू निगम के जीवन को धमकी देने के बारे में मुंबई पुलिस को चेतावनी दी है, जिसमें उन्हें खत्म करने की संभावित योजना है, एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यहां कहा। नाम न छापने का अनुरोध करते हुए एक शीर्ष एसआईटी अधिकारी ने आईए ने इसको बताया, हमने मुंबई पुलिस को नियुक्त किया है और निगम को लक्ष्य बनाया है। निगम एक लक्ष्य हो सकता है, इस मामले में आगे काम करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सलाहकार को मुंबई पुलिस वीआईपी संरक्षण शाखा को भी सार्वजनिक स्थान या एक घटना या प्रचार समारोह में गायक के जीवन के खतरे के बारे में भेजा गया है। हालांकि संरक्षण शाखा के एक पुलिस अधिकारी ने निगम को अब किस स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है और किस प्रकार के व्यक्तियों या समूहों ने उनके लिए खतरा पैदा किया है, यह टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। संपर्क करने पर निगम ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं आपके रूप में अस्पष्ट खतरे के बारे में हूं। अप्रैल 2017 में गायक विभिन्न संगठनों से आग के नीचे आ गया था जब उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मुसलमानों की प्रार्थना कॉल आजान उनकी नींद में परेशान थे। निगम ने दावा किया कि वह केवल अजान के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग की बात कर रहे थे। फैकास के रूप में जारी रहे एक पश्चिम बंगाल मुस्लिम मौलवी ने निगम के सिर को दाढ़ी वाले कैसी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम दिया। गायक ने चुनौती स्वीकार कर ली और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने के लिए मुसलमानों से माफी मांगने के बाद स्वेच्छा से उनके सिर को टकराया।